नहीं है वैन ये तो मैंने कराया हुआ ये वाला केस, सॉरी मैंने ये केस नहीं कराया था आपको, ये नहीं कराया, ये वाला मैं कराने जा रहा हूँ। ये केस देखो, वैन द डिनोमिनेटर, वैन द डिनोमिनेटर, जब आपका डिनोमिनेटर कैसा हो बता सकता है कि आप में से कैसा होगा इस बार? जी एक्स इज एक्सप्रेसिबल, 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 एक्सप्रेसिबल एज द प्रोडक्ट ऑफ, जब लीनियर रिपीटेड हो, हाँ बिल्कुल, एज द प्रोडक्ट ऑफ द लीनियर फैक्टर्स, लीनियर फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स सच दैट सम ऑफ देम आर रिपीटेड, कुछ कुछ रिपीटेड है, सच दैट सम ऑफ देम आर रिपीटेड, सम ऑफ देम आर रिपीटेड, कुछ उसमें से क्या कर रहे हैं, लीनियर, लीनियर एंड रिपीटेड, क्या लिख सकते हैं, लीनियर एंड रिपीटेड, ठीक है बेटे, लीनियर एंड रिपीटेड लिख सकते हैं। और जैसे मान लीजिए लेट QX इक्वल टू दिया हुआ है X माइनस ए होल पावर k, है ना, और फिर मैं ये लिख सकता हूँ X माइनस ए वन, एक्स माइनस ए टू डॉट डॉट एक्स माइनस ए आर, कुछ भी हो सकता है बट मैं एग्जैक्टली नहीं बोल रहा ये n है, कुछ भी हो सकता है, कितने भी हो सकते हैं, मुझे क्या पता है, मुझे ये पता है कि बस इतने रिपीट कर रहे हैं उनकी मैंने पावर कर दी, बाकी पता नहीं कितने जो रिपीट नहीं कर रहे उनको वैसे लिख लूंगा मैं, आ रहा है समझिए, देन वी अज्यूम दैट, तो फिर हम क्या करेंगे बच्चे, पी एक्स अपॉन क्यू एक्स इक्वल टू आ जाएगा, दिख रहा है आपको, आपको ए वन अपॉन एक्स माइनस ए ये आएगा प्लस ए टू अपॉन एक्स माइनस ए, हो सकता है ऐसा हो, रिपीटेड हो, ऐसा हो होल स्क्वायर हो जाएगा, अरे भाई ठीक है, जो रिपीटेड कर रहा है रिपीट हो रहा है उसका होल स्क्वायर ले लोगे आप इधर सेपरेट करके प्लस डॉट डॉट, हाँ बोलो बेटे, ए एन अपॉन एक्स माइनस ए, हाँ बिल्कुल, एक्स माइनस ए कहां तक जाएगा हमें नहीं पता, जहां बेटे सुनो मेरी बात, अगर रिपीट कितने टाइम्स कर रहा है, थ्री टाइम्स, तो पहले क्या लगोगे, एक्स माइनस ए फिर एक्स माइनस होल, फिर कहां तक लेके जाओगे, थ्री तक, अगर फोर बार रिपीट कर रहा है तो फोर टाइम्स लेके जाओगे, ये इसका कहने का मतलब है, के टाइम्स आगे समझ में, अब बस बाकी सबको वैसे लिख दो, बाकी उनको अलग कुछ लिख लो, बी वन अपॉन इसको क्या लिखोगे, एक्स माइनस ए वन, ठीक है, प्लस बी टू अपॉन एक्स माइनस ए टू, लास्ट में कौन बचा है, br अपॉन x ar, आ गया होगा समझ, तो ये हमारा सेकंड केस था जब डिनोमिनेटर आपका क्या कर रहा हो, एक्सप्रेसिबल एज द प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स सच दैट सम ऑफ देम आर रिपीटेड, कुछ उसमें से क्या कर रहे हो, रिपीट कर रहे हो, अभी डाउट है किसी को, केस टू में डाउट है बच्चों, नेक्स्ट केस थर्ड, केस थर्ड क्या कह रहा है, केस थर्ड बड़ा सिंपल है बच्चे, केस थर्ड में क्या है आपका, व्हेन व्हेन सम ऑफ द फैक्टर्स, बेटे यही केस बनते हैं, ठीक है, सम ऑफ द फैक्टर्स, अभी आप क्वेश्चन करोगे सब देखो क्लियर होंगे आपके, ठीक है, इन द डिनोमिनेटर आर, सम ऑफ द फैक्टर्स इन द डिनोमिनेटर आर, बड़ा बेसिक से कराया मैंने आपको ये, है ना, ये वाला तो इसमें तो स्पीड नहीं मैंने खींची, आ जाता क्यों स्पीड में, क्वाड्रेटिक एंड नॉन रिपीटिंग, हाँ मैंने इसमें स्पीड तो नहीं खींची भी, हाँ बट नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, क्योंकि ये लास्ट कॉन्सेप्ट था, थोड़ा मुझे लग रहा था इसमें से आएगा, जिसमें थोड़ा धीरे कराता हूँ तो सोच लिया करो उसमें से आता है, आ रहा सुन में, करस्पॉन्डिंग टू ईच, हमारा मकसद है बस आईआईटी में आपके टॉप एंड अटैक आ जाएगा, ईच क्वाड्रेटिक फैक्टर, किसी 82 आ जाए, किसी 93 आ जाए, टॉप एंडर तो आ जाएगी ना, है ना, ए आई आर लिखा होगा साथ में, एक आ गया क्लास में कहता मैंने टॉप एंडर नहीं लाना, मैंने टॉप करना है, मैंने क्या हो गया भाई, ठीक ठाक है, कहता नहीं सर मैंने टॉप ही करना है, बस अब बताओ कैसे करें, तो एक एग्जांपल मैंने उसको बताया था कि भाई देखो मेहनत नहीं, सिर्फ मेहनत ही सब कुछ नहीं होती, मेहनत तो रिक्शे वाला भी करता रहता है ना, और बहुत कुछ चाहिए बेटे इसके लिए, देखो सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो ये है, मैंने एक इम्पोर्टेंट सी बात बोली थी उसको कि 24 आवर आपके माइंड में यही चलना चाहिए, ध्यान रखना ये बात, जब आप कोई पर्सन पानी में जब डूब रहा होता है तो उसको जितनी तेजी से जितना जरूरी क्या होती है उसको जान बचाए, एयर मिल जाए कहीं से, तो वैसे ही उस जुनून से अगर आपको एयर चाहिए होगी तब एयर आएगी, अभी नहीं आएगी, ठीक है, तब एयर क्या आएगी, वन आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी, नहीं तो फिर अच्छा अगर पानी में डूब रहे होगे तो ये सोच रहे होगे यार बर्गर खाना है, पिज्जा खाना है, चलो कहीं चलते हैं घूमने फिरने यार, मजे करते हैं, वहां क्या सोचोगे, वजह ही नहीं है, वजह नहीं है, बस यही बेटे वजह मैंने बोला है, मैं केरली की स्टोरी आपको पहले सुना चुका हूँ, तो केरली से बड़ा एग्जांपल नहीं है कोई, क्योंकि ये भी एक क्या है, फोकस का ही फर्क है बस, केरली में और लोगों में क्या फर्क था, ठीक है, देख रहे हो केरली ने कितना डेडिकेशन से,
कैलिंग वीडियो सुनाऊंगा अभी आपको मैं सुना चुका हूं दोबारा सुनाएंगे ठीक है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट है ये वाला केस 3 इसको समझ लो लास्ट है ये अगला चैप्टर है पूरा पार्शियल फ्रैक्शन वो भी आपका हो गया ठीक है ऐसे ही है प्लस 2 में देखो बड़ी कोई नहीं व्हेन सम ऑफ द फैक्टर प्लस 2 में सिर्फ कैलकुलस ही है यही सभी को डिवाइड कर खत्म हो गई है व्हेन सम ऑफ द फैक्टर्स इन द डिनोमिनेटर आर क्वाड्रेटिक बट नॉन रिपीटिंग बट कैसे नॉन रिपीटिंग करस्पॉन्डिंग टू ईच क्वाड्रेटिक फैक्टर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कहां लगा है इस बार डिनोमिनेटर में और ये इसके फैक्टर कभी रिपीट करते हैं क्या बोल देते हैं कि हाँ नहीं करते सर इसके क्योंकि सर हमने केस पीछे नॉन रिपीटिंग मैंने बोला भी था कि डी नॉट इक्वल टू 0 होगा इसीलिए इधर ध्यान दो और व्हेन सम ऑफ द इधर व्हेन सम ऑफ द फैक्टर्स इन द डिनोमिनेटर आर क्वाड्रेटिक कुछ क्वाड्रेटिक है बट नॉन रिपीटिंग है बोल दिया उसने करस्पॉन्डिंग टू ईच क्वाड्रेटिक फैक्टर ये मैं क्वेश्चन से समझाऊंगा आपको देखो बेटे होता क्या वेयर ए और बी क्या है ए और बी आर कॉन्स्टेंट्स अरे ये तो पता ही होगा ये और भी क्या है constants. तो भी डिटरमिन जिनको हमने डिटरमाइन करना अच्छा डिटरमिन कैसे करोगे अब आप कोएफिशिएंट कंपेयर करोगे लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में एक बार एक्स का करोगे क्वेश्चन से समझ आएगा देखो बड़ी क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या है लिखता बस इतना ही है इवेलुएट बस इवेलुएट और फिर ये घुमाता है और फिर ये लिखता है बस और इससे इजी क्वेश्चन कुछ बनता नहीं है उससे मतलब इतना मतलब छोटा सा लिखना और मुझे लगता नहीं है मैथ में आईआईटी के सिलेबस में कोई भी ऐसा चैप्टर है जिसमें सबसे कम लिखना पड़ता है वो एक ही है बस ठीक है अब आपसे पूछते हैं बताओ कौन सा केस है हैंड अप करो पीछे केस टू जिसमें हमने पहले सारे रूट्स निकाले थे ठीक है केस टू है और इसमें आप क्या करोगे a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 2 और c अपॉन x करें yes, चलो देखो बेटे मैं इसको लिखता हूं 2x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 इंटू x प्लस 2 x माइनस 3 ठीक है इक्वल टू a अपॉन x माइनस 1 प्लस 3 हो जाएगा 1 प्लस रुक जाइए सही लिख रहा हूं x प्लस 2 सही है अभी एक मिनट को हमने उसको जीरो लिया था फिर किया था ना व्हेन द डिनोमिनेटर ऑफ एक्सप्रेसिबल एट द प्रोडक्ट लीनियर सच दैट सम ऑफ देम आर कहां रिपीट कर रहे हैं यार इसमें तो पहला केस है केस फर्स्ट क्यों नहीं बोला आप लोगों ने भाई गलत बात है इसमें रिपीट ही नहीं कर रहा कोई नॉन रिपीटिंग यार ऐसे नहीं कर ये वाला केस हमारा गड़बड़ हो गया यार पहला वाला केस है ये ना ये केस नहीं लगेगा अरे हटाए इसे दोबारा से लिखो अब आपने क्या करना है मैंने उसमें क्या किया था इसको लिखा था ऐसे इस तरीके से 2x लिख दें जैसे हाँ वहां किया था वहां मैंने क्या किया था पहले x की जगह क्या पुट किया था 1 और इस वाले को छोड़ दिया था ये सब वही करें 1 हाँ, करें इसीलिए तो मैं 3 कर रही हूं 2 प्लस 1 3 हां तो बेटा क्या आएगा 2 माइनस 1 1 आएगा अपॉन फिर मैंने x माइनस 1 को ड्रॉप कर दिया और फिर 1 3 इंटू माइनस 2 चल लिख देते हैं एक स्टेप बढ़ जाएगा हमारा कोई चीज उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है माइनस 2 लेंगे हाँ जी बताओ माइनस 4 माइनस 5 माइनस 5 अपॉन माइनस 6 माइनस 6 नहीं सॉरी माइनस माइनस 4 माइनस 2 पुट कर रहे हो ना हाँ माइनस 2 करे तो माइनस 3 माइनस 3 माइनस 5 से लेंगे और फिर क्या आएगा ये तो इसको तो ऐसे लिख देना है और फिर क्या आएगा बेटे माइनस 5 और फिर अगला स्टेप बोलोगे आप लोग बताओ बताओ तो इस बार हम लेंगे 3 को तो आएगा 6 माइनस 1 5 अपॉन में क्या आएगा 4 हाँ जी 4 इंटू 5 4 इंटू 5 बस और x माइनस 3 हेलो कोई बात नहीं देखो 5 अपॉन हाँ जी बताओ 4 इंटू 5 4 इंटू 5 माइनस 1 4 आपने क्या पहले पुट करनी है बच्चे 3 पुट करनी है बच्चे पता नहीं इसको क्या हो गया है पहले बड़ा सही बता रही थी x माइनस 3 ये आएगा ना अब सही है अब बताओ बच्चों डाउट वाले सही करूं फिर मैं उनको पीट पाट दूंगा अब तो मैं सही है ना सब माइनस 1 अच्छा जी देखो होगी गड़बड़ करा रही है सही है सब सही चल रहा है 3 5 ही आएगा ना हां जी हां 3 प्लस 2 5 सही बोल रही है सर अच्छा अच्छा तो 5 ही कहा था आपने मैंने सही लिखा था कोई नहीं ये आ गया x माइनस 1
और फिर माइनस कटो कुछ जीरो माइनस का आएगा चलो माइनस फाइव ठीक है माइनस वन पॉइंट थ्री अरे बच्चों ना करो ऐसे सही है सही है प्लस फाइव आप गलती ना करो वन अपॉइंट टू इंटू एक्स माइनस थ्री क्या करे बस हो गया क्वेश्चन लगाओ लॉग बस कहानी खत्म लगाए इंटीग्रेशन हाँ। चलो भाई बेटे आगे काबू में आप सब तो माइनस लॉग मॉड सिक्स एक्स माइनस आ गया ना कांस्टेंट निकालो माइनस वन पॉइंट सिक्स लॉग ये लो जी कांस्टेंट निकाल दिया अब इतने तो एक्सपीरियंस हो गया माइनस वन माइनस ये कह रहे सब निकाल के लिखो ऐसे वन अपॉइंट थ्री अब इतने तो एक्सपीरियंस हो गया लॉग मॉड एक्स प्लस टू प्लस वन अपॉइंट टू मॉड लॉग एक्स माइनस थ्री देखा कितना अच्छे से कर दिया प्लस टू के बच्चों को आते नहीं है क्वेश्चन सबसे टफ लगती है मुझे बड़ा इजी था सी लगा दिया करो सी से हमें दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं है सी से हमें ठीक है करें अगला क्वेश्चन इवेलुएट इवेलुएट लिखता बस इतना है और साथ में ये स्नेक बनाता है और ये टू एक्स अपॉन ये सर आपको ऑर्गेनिक बहुत अच्छी करेंगे बहुत अच्छी ऑर्गेनिक पढ़ाते हैं एक्स स्क्वायर प्लस टू और ये क्या है डी एक्स अरे ठीक है बच्चों क्या हो गया आप क्या करोगे कोई बता सकता है मैं कोई आइडिया वाला कुछ कोई लगाया दिमाग उमाग इसमें ये क्वाड्रेटिक वाला है नॉन रिपीटिंग केस थ्री हाँ तो बताओ वैसे मैं कुछ और चेंजेस पहले तो ना केस मैं वन भी बना लेता हूँ कौन सा बनाऊंगा हम लीनियर में कर देंगे देखो एक्स स्क्वायर को टी मान लो क्या मान लो टी डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्योंकि इस पूरे की जगह मैं क्या लिख दूंगा अब क्योंकि टू एक्स डी एक्स की जगह डी टी आ जाएगा और ये हमारे और खुशी की बात हो गई ठीक है और ये आ गया डी टी अपॉन टी प्लस वन टी प्लस टू ये हमारे लिए खुशी की बात है करें वही कहानी फिर से वो जो बता रहा था वो पहले क्या पुट करने के लिए कह रहा है वो पहले क्या पुट करने के लिए बोलता है वो अरे बोलो यार माइनस वन माइनस वन पुट करो क्या होगा माइनस टू लोग कह रहे हैं एक्स नहीं है इस बार टू डी एक्स नहीं है तो क्या माइनस डी वेरिएबल तो है ना तो बताओ क्या करें माइनस डी अरे ऊपर तो वन ही है जी माइनस वन होगा ना टी ये लो यार ऊपर तो वैसे ही है भाई क्या है टी थोड़ा ना डी टी है ये लो वो डी टी है यार पुट एक्स डी एक्स टी में करते हैं डी तो है नहीं ना वन आएगा ना ऊपर ही अपॉन में क्या आएगा इसमें तो पुट करना ही नहीं है इसी से तो उठाया आपने यहाँ पुट करेंगे माइनस वन पुट करेंगे तो वन आएगा और वन जब मल्टीप्लाई करेगा तो टी प्लस अरे ठीक है अब बेटे माइनस टू पुट करेंगे इसमें तो करेंगे नहीं इसमें करेंगे माइनस वन अपॉन टी प्लस टू ये कौन सा मेथड है छुपाने वाला है कौन सा मेथड है छुपाने वाला इसी को छुपाने ये छुपाने छुपा दिया ना हाँ ये छुपाने वाला मेथड है और एक काम करना वैसे मैं छुपा के समझाता हूँ बच्चों को ये देखो छुपा लो इसको इससे लिया तो इसको छुपा लो फिर वैल्यू अरे इस तरीके से जिससे जो लिया है उससे छुपा दिया जाता है फिर आप यहाँ ऐसे अब करें इसको लॉग बताओ जितनी नॉलेज होती है उडेल दिया करो सर log m upon log m mod x square plus 1 upon log वो भी टेंशन में रहेगा यार ये भी आता है इसको log भी आता है वेरी गुड लेट्स सी अरे ठीक है ऐसे क्वेश्चंस होते हैं देखो बड़े इजी इजी कर रहे हो आप लोग थोड़ा सा ले लेते हैं अच्छा क्वेश्चन इवेलुएट इंटीग्रेशन आता बहुत है इसमें से तो ध्यान रखना इसका है ना मतलब क्योंकि इसमें गलती होने की चांस है ना छुपाने वाले में है ना साइन एक्स माइनस साइन टू एक्स लेकिन प्रैक्टिस इतनी करा देंगे हाथ छोड़ छोड़ के चलाओगे गाड़ी आप ठीक है इतनी प्रैक्टिस कराएंगे आपकी ठीक है अब बताओ क्या करें पहले तो कुछ चेंज करो यार थोड़ा मजा है देखो साइन 2x हाँ लगाओ फार्मूला जो आता है लगाते चलो साइन x cos x हाँ देखो बेटे होता क्या है 1 माइनस ये दिमाग लगाना आना चाहिए मैं बताता हूँ आपको होता क्या है ये आएगा साइन x माइनस 2 साइन x इनटू cos x अरे बच्चों ये आ गया होगा समझ गई हो तो साइन x ले लें कॉमन कॉमन ले लेंगे तो आएगा डी एक्स अपॉन साइन एक्स कॉमन ले लिया अंदर आ गया वन माइनस टू कॉस एक्स उसको ऊपर भेज अब एक बच्चा क्लास में खड़ा हो गया कहता सर ये कैसे पता लगेगा ये करना है वो करना है ये कैसे सर कर लेते हो आप
तो मैंने कहा देख भाई आप लोगों के दिमाग में भी होगा ये, मैंने उसको बताया भाई सुन हीरो, कहता है एक काम और करोगे अभी आप, मैंने मैं ना ऊपर मल्टीपल ना टू कॉस एक्स का कौन सा फॉर्मूला होता है, कॉस टू एक्स का होता है ना, अब मैंने उससे कहा कि एक काम और कर, कहता क्या सर जब इतना कर ही रहे तो एक और कर, फिर पूछना तो अब साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने ऊपर भी और नीचे भी, अब कहता आप बताओ सर आप तो आप करते चले जा रहे हो आगे आगे, ये क्या है भाई आप तो बताते नहीं हो कैसे कर लेते हो अपने आप है ना, मुझे तो पता नहीं लगता है कैसे ही होता है ये क्या साइन टू एक्स ये वो है ना, तो मैंने कहा भाई आप हीरो सुन मेरी बात दिमाग चलाया कर, कहता क्या दिमाग लगाया सर बताइए, मैंने कहा कि बेटे देख इसको लिख सकता है तो 1 cos² x और इसको मान लेगा t और इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है तो ये पूरा dx dt हो जाएगा, अरे आ गया समझ में, ये दिमाग लगाना था आप लोगों के दिमाग में आया, अच्छा सर आप आया समझ में, अच्छा इसलिए आप ये कर रहे हो ठीक है, साइन एक्स डी एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स की जगह लिख दोगे 1 cos² x और रास्ता पकड़ लो फिर तो बात कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं आपको, एक मेरा दोस्त है वो ड्राइविंग वगैरह सिखाता है तो एक बार कोई आर्मी वाला पर्सन उससे पता क्या पूछता है, कहता ड्राइविंग ड्राइविंग तो ठीक है कि गाड़ी खराब हो जाएगी सिखाओगे, मतलब समझा रहा है आप रास्ते तो पकड़ो यार, हाँ आप तो पहले ही आ रहे हो सर ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा ये कैसे पता लगेगा, वो पहले सोच के बैठा हुआ है यार, अब आप लोग IIT जाना चाहते हो पहले सोच के आ रहे IIT सप्ली आगे तो क्या करेंगे, ये क्या बात है पहुंच रही नहीं है पहले डिसाइड पहले ही सोचे बैठे हैं सब है ना, देखो बेटे अब इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स सबकी आती है भाई सप्ली ठीक है और अपॉन आ भी जाएंगे तो कोई बात नहीं है ठीक है, साइन एक्स डी एक्स 1 माइनस हाँ बिल्कुल आई है जिसको नॉलेज है नहीं क्या हो गया नहीं क्या प्रेशर देके पढ़ाई नहीं करनी चाहिए कभी भी है ना, एंजॉय करो है ना, अब देखो बेटे क्या करें बताओ जल्दी से, किसको डी लेट करोगे आप, कॉस एक्स को टी मान लें, अब लोगों को समझा गया क्यों कर रहे हैं हम ये डीटी आ जाएगा है ना, देखो बेटे इंडिया टोटल एजुकेशन सिस्टम इज टोटली बेस्ड ऑन व्हाट जॉब, सो वेयर इज अ क्रिएटिविटी, सब लोग ऐड पढ़ते हैं जॉब लेनी है जॉब लेनी है तो क्रिएटिविटी कहाँ है यार, क्रिएटिविटी तभी आएगी जब आपका माइंड ओपन है ठीक है, आ देखो बेटे कॉस एक्स को क्या ले लिया टी ले लिया, डिफरेंशिएट करें तो अरे माइनस होता है यार ऐसा नहीं वो डी एक्स से बुला लिया मैंने डी एक्स इक्वल टू डी टी, चलो माइनस ले हाँ ये लिख देता हूँ थोड़ा अच्छा, अरे रुको साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी, ये बढ़िया रहा थोड़ा इस पूरे की जगह लिख माइनस डी टी माइनस डी टी वन माइनस टी स्क्वायर हैदराबाद को यूटी बनाया तो टू टी तोड़ देंगे इसको 1 + t और 1 - t कर ले, हाँ जी आप बताओ, हाँ ये बिल्कुल सही बोला आपने क्या बिल्कुल सही, वेरी गुड नाइस, ये माइनस कॉमन आ गया बाहर और ये आ जाएगा 1 + t ((1 - t) और फिर ये आ गया 1 - 2t फर्स्ट वाला केस बन गया हमारा, अब कौन सा केस बन रहा है बिल्कुल सही बोल रहे हो बिल्कुल सही है आपका आंसर ठीक है भाई, अभी कोई डाउट है किसी को करें भाई इसको सॉल्व करें यार, अब तो प्रॉब्लम नहीं है फर्स्ट वाला केस है ना ये रिपीट तो कर नहीं रहा यार क्या करें, तो छुपाने वाला काम करते हैं छुपाने वाला करें भाई छुपाने वाला, चलो देखो माइनस टी पुट कर रही है ये -1 ये लो हाँ ये एक्सेप्ट भी नहीं कर रही है आगे से है ना, चलो मैं तो अलग से लिख लूँ इसको थोड़ा अलग लिखने से थोड़ा अच्छे से हो जाता है ना अलग से, चलो कर लो कर लो इसी में 1 + t हाँ क्या पुट करा आपने 1 + t (1 - 1) -1 पुट करेंगे तो 1 + t को तो छोड़ देंगे हम -2 और फिर आएगा -2 आएगा -1 पुट कर रहे हो इधर दिखाइए जरा इधर दिखाइए आप -1 पुट कर रहे हो तो ये +2 हो जाएगा और जब आप यहाँ पुट करोगे तो 3 आएगा लिखो ठीक है बच्चों और दूसरा केस भी ले लेते हैं मैं इंटीग्रेशन लगा दूं साथ साथ बढ़िया रहेगा है ना, एक बात ध्यान रखना माइनस सभी में है तो इधर है तो इधर भी आएगा थोड़ा ध्यान रखिए ये बात का अपॉन इधर दिखाइए इसमें हम पुट करेंगे 1 पुट करेंगे तो 2 छोड़ दे और -1 तो -2 × ये क्या आया बेटे 1 - t (-1) लास्ट बता दो प्लस माइनस डी टी ओवर हम इसमें पुट करेंगे देखो 1/2 पुट करें तो ये तो जीरो हो जाएगा बेचारा 3/2 ये क्या है बेचारा 3/2 और ये कौन आ रहा है देखो दोनों लिख देते हैं, अब क्या करेंगे
डी टी भी लगा दिया हमने, सब कुछ सही है सबको अलग अलग करें सेपरेट सेपरेट सब। चलो देखो 1/6 ले लो बाहर इसमें, माइनस डी टी अपॉन 6 इंटू 1+t। अरे बच्चों और माइनस डी टी अपॉन माइनस मैंने प्लस करो माइनस माइनस उधर हो गया माइनस प्लस हो गया बेटे वो सर उनको नहीं आया समझ ऊपर जो देख रही है हाँ ये माइनस डी टी अपॉन थोड़ा बेटे 3/4 अरे 4/3 हो गया ये सर ये लो पता नहीं लगा उसको अपॉन ये लो माइनस 2t लगाओ फॉर्मूला। अब ये कॉमन मत लो आप ये कॉमन लेने लग जाती है ये वैसे कर दे माइनस 1/6 log mod 1+t माइनस 1/6 log mod 1+t log 1+t प्लस 1/2 log 1-t log mod 1-t माइनस 4/3 माइनस 4/3 log mod 1-2t क्या ये सही आंसर ये वाला टी की वैल्यू ये दोनों सही है ये बताओ इसको 2t को फिर से कुछ करना पड़ेगा बिल्कुल सही बोला आपने वो ax plus b वाला करना है या 2t को u मानना पड़ेगा आपको 1-2t को क्या मानोगे आप u बेटे देखो अगर तो ये सिंपल से लीनियर होते तो कोई दिक्कत नहीं आती है लेकिन जब ऐसा कुछ हो ना जिसके कोएफिशिएंट भी साथ में 2 हो यहाँ तो कोएफिशिएंट है ही नहीं इनके 1 है यहाँ तो कोएफिशिएंट 2 है यहाँ दिक्कत करेगा ये तो अभी आप इसको u मान लो u मानोगे तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे किसके रिस्पेक्ट में करोगे बोलो बच्चे dt ओवर du t के रिस्पेक्ट में ही करेंगे ना तो आएगा 0-2 इज इक्वल टू du ओवर dt तो dt की जगह क्या आ जाएगा -1/2 du तो ये आ जाएगा इसकी जगह पे आएगा -1/2 du आएगा ना ये -1/2 du अपॉन में क्या आएगा u ये पूरा u माना हुआ है ये तो पूरा बाहर आ जाएगा इस पूरे का log u हो जाएगा इस पूरे log u की वैल्यू पुट कर दो वो पुट कर दिया आपने -1/2 को बाहर निकालो अरे भाई करू मैं यहाँ -1/2 बाहर आ रहा है -2/3 ये आंसर है अब थोड़ा समझ आ गया होगा लोगों को बेटे थोड़ा ध्यान रखना है इसके बाद हम t की वैल्यू पुट कर देंगे cos x यही केस था बस हो गया आंसर बेटे अब t की वैल्यू पुट कर दो cos x है बस बेटे आंसर आ गया बिल्कुल सही है राइट आंसर है ये बिल्कुल एग्जैक्ट कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें बस ये थोड़ा सा गलत हो जाता है लोगों से जब आप इसको t के साथ कोई कोएफिशिएंट लगाओ तब दिक्कत आती है ठीक है वो तो वैसे भी -1/2 को हम बाहर निकाल ही लेते हैं जैसे कॉन्स्टेंट बाहर निकालती है वैसे निकाल लिया के हिसाब से इसको आगे समझे बाहर ही निकाला है के हिसाब से देखो बेटे आगे करें ये थोड़ा सा यही वाला था डाउट बस जो लास्ट में मैंने कराया था उसमें थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना आगे जरा तो यू मान लिया करो या कुछ और मान लिया करो टी जब मानते हैं वैसे तो टी पहले से माना हुआ था उसको ठीक है अब देखो बेटे 1-cos x अपॉन cos x into 1+cos x और फिर क्या है dx कैसे करेंगे बेटे इसको कोई आप में से बता सकता है क्या उसके पहले सबसे पहले माइंड में क्या स्ट्राइक कर रहा है किसी के भी cos x को कुछ भी मान लो cos x को मान लो लो भाई t मान लो y मान लो पर बड़ा t t चलता आ रहा है 2t आ जाता है फिर दिक्कत होती है ना वाई मान लो ठीक है अब ये आएगा 1-y अपॉन 1+y y into 1+y है ना भाई और dx तो है ही है Yes, sir. DX का प्रॉब्लम है क्या किसी को एक कहता हाँ प्रॉब्लम है मुझे मैंने क्या हो गया भाई कहता सर यहाँ वाई है और यहाँ आप एक्स ले रहे हो सर ये क्या है तो इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा बिल्कुल सही बोला उसने तो cos x का डिफरेंशिएशन बताओ बच्चों -sin x होता है dy अपॉन dx तो dx इधर आ गया तो इक्वल टू dy बच्चों समझ आ गया होगा तो dy अपॉन -1/sin x अरे भाई ठीक है ये लिख सकता हूँ ना मैं इसकी जगह कोई डाउट है क्या किसी को एक काम करो ना अगर आपको ये बाद में करते हैं एक काम करो इसी को सॉल्व कर ले आप 1-y अपॉन क्या है y इंटू 1+y इसको सॉल्व करेंगे पहले वो बाद में करते हैं कहानी ये कर ले पहले सॉल्व इसको कहानी इसकी खत्म करते हैं पहले मतलब उसको सेपरेट करना आता होगा लोगों को इसको कैसे सेपरेट करोगे आप इसमें बिल्कुल करेंगे ए और बी के टर्म्स में बिल्कुल करो भाई बताओ ए और ए के नीचे कौन आएगा वाई हाँ बिल्कुल आएगा वाई की जगह 0 पुट करो क्या पुट करो 0 तो यहाँ आ जाएगा 1/1/y इसमें तो पुट करेंगे नहीं इसमें पुट करेंगे तो 1 रहा होता ये तो 1 रहा तो वाई आ गया अरे अब वाई की जगह -1 पुट करोगे क्या पुट करोगे -1 अरे भाई हो गया ना 2 हो गया ना बच्चे और अपॉन में क्या आ गया इसमें तो पुट करना नहीं है इसमें करेंगे -1 मतलब -2 और ऊपर 2 था तो कैंसिल हो गया -1/2 क्या बचा सिर्फ 1+y अभी कुछ लोगों को समझ नहीं आया यार एक मिनट यहाँ पे तो 1 था ना सर हाँ 2 था कटा कैसे फिर से बताता हूँ
आपने y की जगह क्या पुट किया? -1। अरे -1 कैसे? 0 0 किया था पहले, तो 0 करेंगे दूसरे केस में। पहले y को क्या पुट किया? 0। इसको छोड़ना पड़ेगा, इसको छुपा लो, 1 बचा। ओके, इसकी जगह 1 बचा ना, इसको छुपा लो। तो यहाँ 0 पुट किया तो 1/y आ गया। अब इसको छुपाएंगे, इसको छुपाएंगे, वैल्यू कौन सी पुट करोगे? -1। ये तो वैसे वैसे आ जाएगा, -1 इसमें रखा और ऊपर रखा तो 2/1। यही बोल रहे थे, ये -1 रखा था ना, 2/1 आएगा। सही बोला आपने, सही है, सही है। अब बोलो, अब तो नहीं डाउट किसी को? अब इंटीग्रेट कर देते हैं तो ज्यादा इजी हो गया यार। अब y की वैल्यू पुट करो, यहाँ क्या आएगी? cos x -2/1 cos x y, इसलिए मतलब थोड़ा इजी हो गया यार करना हमारे, है ना। अब मतलब कि अगर कहीं ये दिया होगा ना हमें 1 cos x / में क्या है, cos x into 1 plus cos x, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, पूरा यही कहानी है ये। तो इसको पूरा ऐसे लिख दो, 1/cos x 1 plus cos x - 2 cos x, -2/1 1/1। अरे भाई, yes, इसको अब सॉल्व करना आता होगा। cos x क्या है? sec x है। sec x का तो वैसे पढ़ के आया स्टैंडर्ड फार्मूला, भूल गए ये +10x। चलो ये कौन है ये बताओ, ये इसको भी बताओ ना, इसको रैशनलाइज वगैरह कर लो यार, इसको भी टी मान के करें, इसको तो अलग से कर लेते हैं, टी क्यों मानोगे? देखो इसमें 1 काटो, कैसे भी 1 कब कटेगा ये फार्मूला लगेगा, cos²x - 1/2 या 2x नहीं है, थोड़ा ध्यान रखिए इस बात का, या x है बच्चे। अरे भाई ये वाला लगेगा और ये कैंसिल, 1/2 ये बहुत कॉमन लेती है ना, लो लो sec² कर लो, 1/2 कॉमन, ऊपर आ गया sec² x / 2, 10x / 2, बस 10x आ गया इसका, इसका 10x आ गया यार, इसमें क्यों डाउट कर रहे हो यार? 10x प्लस का आएगा, माइनस का, माइनस का आएगा, बाय 2 नहीं होता, माइनस का चल रहा था ये, नहीं सर 10² x। चलो पूरा मैं लिख देता हूँ, जो लास्ट में मेरे पास बचा था वो ये बचा था, एक रुक जाओ एक मिनट, गलती हो जाएगी नहीं तो, sec dx बचा था और एक बचा था -1/2 आ गया था ना बाहर, आया हाँ, तो 2 ये भी तो पहले से था, ये देखो पहले से था भाई, हम गलती नहीं कर रहे हैं यार, है ना, 2 पहले से था, और इंटीग्रेशन ये आया बेटे हमारे पास, sec x का नहीं रखोगे? हाँ जी बच्चे बिल्कुल रखेंगे, फार्मूला रखेंगे, ये तो कट गया sec x का फार्मूला, हाँ इसीलिए पूछ रही थी सर, नहीं रखोगे क्या, हमें आता है फार्मूला, ठीक है, -10x/2 आना चाहिए आपको ये वाला, हाँ सर आज किया था, -10x/2 आ जाएगा, बात करो बस, आ गया आंसर, बड़े कोई 2 का थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, 2 का थोड़ा लोचा है, थोड़ा x by 2 का ना, हाँ हाँ सॉरी, हाँ अब ये x by 2 को क्या मान लिया आपने, टी माना था, इसको तो मानना पड़ेगा, अरे अगर ये x होता तो सीधा हो जाता, तो हाँ समझ आ गई, तो इसका तो होगा 1/2, उसको होगा dt by dx, तो यहाँ पे जहाँ dx था उसकी जगह क्या जाएगा 2dt, और क्यों टी माना, टी का तो ये आ गया पूरा, और फिर 2 आ गया, आ गया ये थोड़ा समझ लिया, ये भी इम्पोर्टेंट है ये स्टेप, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन होती है लोगों को, बस और कुछ नहीं था इसमें, कुछ नहीं है कुछ यार, बट इसमें ये करने की क्या जरूरत थी हमें, किसमें x by 2 को t मान के, भाई मानना पड़ेगा, अगर ये सिर्फ x होता तो मेरा फार्मूला लग जाता है, अरे ये सीधा x होता तो 10x होता है, अगर ये x by 2 होगा तो t मानना पड़ेगा ना इसको भाई, अरे अच्छा आप लोग ये भी सोच रहे हो सर फिर आपने यहाँ भी तो t माना, या तो log t होना चाहिए था, बेटा ये लीनियर है, इनका करोगे तो वही आ जाएगा सही, इसको अगर u मानोगे तो dt इक्वल du आ जाएगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ फर्क पड़ गया था, क्योंकि यहाँ पे इसको अगर मानोगे तो फिर अपॉन में कोई 2 वगैरह आ जाएगा, लेकिन इनमें नहीं आता है क्योंकि ये लीनियर है, क्योंकि इनका क्वेश्चन क्या है 1 है, 1 वाले को कोई चक्कर नहीं होता, जैसे मुझे क्या है कि इंटीग्रेट करो 1/1 + t को, क्या आएगा log 1 + t आ जाएगा, इसका तो कोई चक्कर नहीं है, लेकिन जहां 2 लगा होगा तो दिक्कत आएगी क्वेश्चन में, क्योंकि अगर आप इसको यू मानोगे ना 1 + t को क्या मानोगे यू, और फिर डिफरेंशिएशन करोगे तो कोई चक्कर ही नहीं है, सीधा dt इक्वल du आ जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगी, है ना, उसमें नहीं आएगा, लेकिन जब क्वेश्चन होगा आगे समझ में कुछ आ रहा है, इवेलुएट इंटीग्रेशन ऑफ x - 1 x - 2 फिर x - 3 और अपॉन में है, देखो कंफ्यूज करने के लिए ऐसा रहता है कुछ भी, बताओ ये कौन सी फ्रैक्शन है, पहले तो नाम ही बताओ यार इसका, लोग नाम ही नहीं बताएंगे कुछ, तो इम्प्रॉपर है, प्रॉपर है, क्या है ये, दोनों एक्स क्यूब ही है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, सेम हो जाए तो भी इम्प्रॉपर ही बन जाएगा, अच्छा समझ आ गया, ये कैसी फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर, प्रॉपर कैसे बनाएंगे, एक छोटा सा काम बताओ, मैं डिवाइड कर दी q + rd, बड़ा सिंपल सा, कहां करते फिर हो गया यार, इतना टाइम का, एक बहुत बढ़िया तरीका बताता हूं, 1 ऐड कर दो और 1 सबट्रैक्ट कर, देखना फिर क्या होता है, मजा आ जाएगा, करें, हां 1 को ऐड करो और 1 को सबट्रैक्ट कर दो, करते हैं देखते हैं देखो क्या होता है, 1 को मैं ऐसे ऐड कर रहा हूं, यहां
और वन को उस साइड में जाके सब्ट्रैक्ट करो। अरे भाई इधर ऐसे मैं दोबारा लिख ही देता हूँ एक बार, x माइनस वन x माइनस टू x माइनस थ्री अपॉन में क्या रहा है x माइनस फोर x माइनस फाइव x माइनस सिक्स। कुछ नहीं किया, जो था वैसे वैसे रहने दिया मैंने, कोई मैंने तो dx को भी ऐसे रख दिया यार, इसको तो बेचारे बड़ा तंग कर दिया। ये वन प्लस ये आ गया और ये ऊपर जाएगा ना भाई। हाँ। देखो बेटे कहते हैं कुछ बने या ना बने पापा तो बन ही जाएगा, एक कहावत है लाइफ में कुछ बने या ना बने पापा बन जाएगा, मैंने सर वही बोल रही है कि पापा बन गया सर। एक्स माइनस प्रॉपर बोला ना आपने, हाँ ठीक है, एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री और ये ऊपर चला जाएगा ना भाई, ये ऊपर चला जाएगा माइनस क्या आएगा एक्स माइनस फोर x माइनस फाइव और x माइनस सिक्स अपॉन में क्या जाएगा x माइनस फोर x माइनस वन फोर फोर x माइनस फाइव x माइनस सिक्स और फिर पूरे का क्या है dx। अरे ऐसे रखो भाई सही है, ये जब उठती है तो गड़बड़ करा देती है करके, ठीक है सही है यहाँ तक। आप बताओ क्या करेंगे, अब वही काम हमारी, ये कौन है, ये तो मेरी कौन सी है प्रॉपर है प्रॉपर। अरे भैया एक्स क्यूब के कट जाएंगे यार, अरे यार प्रॉपर होगी अब तो, अरे कट गए यार, ठीक है प्रॉपर है अब तो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लगाओ पहला वाला केस, लगाने में ही वाला करें करें इसको। चलो बताओ पहला केस में क्या करें, पहले क्या पुट करें इसमें, फोर करें क्या क्या थ्री टू इसमें पुट करें, इसमें फोर माइनस थ्री वन इसमें करो जरा क्या, वो तो वैसे भी जीरो कर देगा सबको, ये बताओ क्या आ रहा है थ्री टू वन देखो मैं जरा बेटे वन प्लस तो चल ही रहा है साथ में थ्री इंटू टू इंटू वन अपॉन एक्स माइनस फोर, इसको तो छेड़ना ही नहीं है मैंने, इसको छेड़ूंगा मैं इधर ध्यान दो दिखाओ यार इधर माइनस वन आएगा ये और ये माइनस टू आएगा, अरे भाई और माइनस लिख देता हूँ आ रहा होगा तो समय प्लस लिख देता हूँ मैं, हमें नहीं पता फोर इंटू, अब नहीं इतना एक्सपीरियंस हो गया फोर इंटू थ्री इंटू टू ठीक है भाई, और वन अब फाइव वाला छोड़ दूंगा मैं। आपने इसे भी काउंट किया, इसे तो नहीं करेंगे, इसको क्यों करेंगे यार, जीरो आने वाला है, खाने खत्म है उसकी यार, वैसे भी वो सब में जीरो आएगा, ये वाला सब इधर दिखाओ ये वाला सब में जीरो आएगा, अरे यार अब देखो अब सिक्स पुट करो तो भी जीरो होने वाला है यार, इसको क्या लिखना है सिक्स पुट करें तो उसमें पुट ही नहीं करेंगे ना, एक्स माइनस फोर आपने तब भी करेंगे तो भी नहीं कुछ होने वाला, अब सिक्स पुट करने जा रहा हूँ तो फाइव फोर थ्री देखो मैं जरा फाइव इंटू फोर इंटू थ्री अपॉन में क्या आएगा x माइनस फोर इंटू अरे सिक्स माइनस फोर लिखना था यार गलत करा रहे हो बता नहीं रहे हो, हाँ जी लोग तो चुप ही बैठ गए यार पता नहीं क्या हो गया, हाँ जी ठीक है अब क्या आएगा वन प्लस बताओ क्या आ रहा है सिक्स अपॉन टू इंटू एक्स माइनस फोर, वेरी नाइस टू इंटू एक्स माइनस क्या बात है, बोलो बोलो टी फोर हाँ जी ट्वेंटी फोर कुछ काटो कुटो यार 24 बहुत बड़ा कट नहीं तो माइनस तो बोलो ना कम से कम 24 अपॉन एक्स माइनस फाइव, अच्छा वेरी गुड बताओ कितना आ रहा है ये क्या है टू है क्या है ये टू है थर्टी अपॉन थर्टी थोड़ा ध्यान से थर्टी अपॉन